राजनांदगांव जिले में धीवी जल परियोजना के पास स्थित श्रद्धा राइस मिल को बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले के ग्राम सुमानी के पास धीवी इब्रा ग्राम की जल परियोजना शुरू से विवाद में रही है। वहीं अब धीवी जल परियोजना में मानव कृत एक नई समस्या आकर खड़ी हुई। धीवी जल परियोजना के पास स्थित श्रद्धा राइस मिल ने धीवी जल परियोजना के पानी में राइस मिल का गंदा पानी छोड़ दिया, जिसके कारण पानी बदबू आ रही है। वहीं श्रद्धा राइस मिल द्वारा धीवी जल परियोजना में गंदा पानी छोड़ने की जानकारी मिलते ही विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने आदेश दिया है कि श्रद्धा राइस मिल को बंद कर दिया जाए। इसके तहत ही जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के आदेश अनुसार राइस मिल को बंद कर दिया गया है। साथ ही पीएचई विभाग को स्थानीय स्तर पर पानी की जाँच करने के लिए भी बोला गया है। उनका भी फोन आया था, तो हम लोगों ने निरी पहले ही हम लोगों ने भेज दिया था और इसमें पीएचई के माध्यम से उसमें हम लोगों ने पानी की जांच भी उसमें की थी, तो लोकल लेवल पे, तो फाइनल जैसा भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से उसमें वहाँ पे पहले से ही लोकल सोर्सेज भी हैं। हैंडपम्प भी जैसे जिस मान से हैंडपम्प होने चाहिए उस मान से अधिक हैंडपम्प सब जगह खुदे हुए हैं, तो पानी की एज सच बहुत प्रॉब्लम नहीं है गाँव में। लोकल लेवल से वहाँ पर पानी की सप्लाई हो रही है। धीरी जल समूह जो है एक योजना थी जिसमें 24 गाँवों का पानी उसमें जाता था, उसमें एक राइस मिल जो है उसका गंदा पानी वहाँ पे उस धीरी पे जो है ना गया, उसके कारण से उसमें स्मेल काफ़ी आई है, तो उस राइस मिल को अभी बंद किया गया है।